एक पासे पंजाब विधानसभा विच आम आदमी पार्टी दे दो धड़े आपो अपनी डफली वजा रहे ने, दूजे पासे आम आदमी पार्टी दे संसद मैंबर भगवंत मान ने अपने बयाना दे पत्थे विचों नवा तीर छड़िया है। उन्होंने एक बार मुड़ बागी लीडर सुखपाल खैरा दे खिलाफ खुल के पड़ास कढ़ी। मान ने कहा कि खैरा कदे भी पार्टी मजबूत नहीं होण देना चाहुंदे। मान ने यह भी कहा कि सुखपाल खैरा ने पिछले डेढ़ महीने दौरान पंजाब का कोई भी मसला नहीं उठाया, सगों वह सीटां दे पिछे ही लड़ी जा रहे ने, जदों कि पंजाब विच असल मुद्दे नशा अते बेरोजगारी दे ने। इस तों लगदा है कि वह पंजाब प्रति गंभीर नहीं। वड्डा बयान देंदिया मान ने यह भी कह दिता कि खैरा साहब ने सुलह सफाई के राह बंद कर दिते ने, क्योंकि उन्होंने अंदर खाते अकाली दल के नाल समझौता हो गया है। किसी के पिछे लग के कर रहे हैं वो गलत ने, और इन्हों गलों का मैं जोरदार तरीके खंडन करूँगा। असी तो मेल मिलाप दलों चला रहे हैं, वो हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी गल कर देंगे ने कि मेल मिलाप के जब वापसी के रस्ते बंद कर रहे हैं जान बुझ। ये उन्होंने कदों याद आया जो उन्होंने जिम्मेवारी बदलती LOP की, उदू पहला सारा कुछ ठीक से, उदू पहला पंजाब भी ठीक से, पंजाब अचानक लावारस उदों हो गया जो खैरा साहब न जोड़ा LOP बदलता। उन्होंने मैं क्या प्रधान बन जाओ, चलो प्रधान तो व्डा होंगे LOP तो प्रधान बन जाओ, कहते प्रधान नहीं बनना LOP बनना। सो उन्हें मतलब उन्होंने किसी ना किसी अहदे लगाव हैगा, वो रखना चाहते हैं। जे पंजाब के हक च बोलना तो बिना LOP के अहदे तो भी बोल सकते हैं, पर पिछले एक महीने तो सिर्फ तो सिर्फ किसी के कोई पंजाब के मसले पर नहीं बोल रहे, सिर्फ अब मैं हूँ मेरे ना 6 हो गए जी, हूँ मेरे ना 7 हो गए जी, हूँ मेरे ना 8 हो गए जी, हूँ साडा रंग हरा रंग हो गया जी, हूँ असी 6 मते पास करो जी, इस तरह की गल्लां कर रहे हैं। मैं लगता है कि वो अकाली दल नाल जब BJP ने उन्होंने कोई कोई ना कोई अट्टी सट्टी हो गई, सौदा हो गया, निबड़ गया काम, तो वो आने वाले दिन तुम्हें पता लग जाए। हूँ उन्होंने जोड़ा अनुशासनी कमेटी को मामला आ गया, तो जल्दी इस मामले कार्रवाई। We'll be right back.